नमस्कार मित्रों, कुछ तकनीकी कारणों के कारण आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गया। आप हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं और नए नए विषय के साथ हम चर्चा पे आपके सामने आ जाते हैं। आज का विषय बहुत ही सामान्य है, जो बहुत आयत में आप देख रहे हैं और इसमें बहुत सारी भावुकता जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मन को उद्वेलित करने वाली बात होती है, क्योंकि एक समाज में नया ट्रेंड आया है, बगैर डॉक्टरी सलाह के आप जांच करवाते हैं। और लैब वाला कहता है कि डॉक्टर साहब, आप जांच करवा ही रहे हैं तो 500 रुपये और दे दीजिए, मैं आपकी और 4 जांचें कर देता हूँ। तो इन जांचों में क्या होता है कि कुछ दो तीन टेस्ट हमेशा हर किसी मरीज के कुछ ना कुछ उसमें प्रश्न चिन्ह लग के आता है। आपने देखा होगा, वो आला लगा देते हैं, थोड़ा इटेलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा उभरता हुआ बना देते हैं। और आजकल तो कुछ लैब्स नाना प्रकार के, शुरू के 4, 5, 6 पन्ने, 10 पन्ने तो डॉक्टर को बिल्कुल सरदर्द लगते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए नहीं होते, वो आम आदमी के लिए होते हैं। तो वो भी इस तरह का व्यवसाय है। तो TSH, यूरिक एसिड और विटामिन B12, ये तीन चीजें आपको हमेशा खराब मिलती हैं। और हम तो ऐसे ही हेल्थ चेकअप के लिए जांच कराते हैं, और इन जांचों को खराब अवस्था में देखकर मन उद्वेलित हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है और कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो जांच हेल्थ चेकअप के लिए कराई थी और ये पॉजिटिव आ गई। तो उनमें से ही एक जांच है यूरिक एसिड, जो कि बढ़ा हुआ आता है और प्राय कोई ना कोई मरीज कुछ ना कुछ एक यूरिक एसिड कम करने की दवा खाता रहता है। तो सोचा कि जब इतने बहुतायत में ये चीजें पॉजिटिव आ रही हैं, तो जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं कुतूहल है, कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि क्यों ना हम भी इसके बारे में जानकारी बढ़ाएं। क्या ये सही है कि हर मरीज को यूरिक एसिड कम करने की दवा दी जानी चाहिए? इस यूरिक एसिड का कट ऑफ होता है लगभग 4 से 5 के आसपास, 6, 7, 8 हमारे डायबिटीज के 100 में से 80 मरीजों को ऐसे ही रिपोर्ट आती है। पर उस 100 में से जो जो मरीज जिनको पॉजिटिव आता है, उसमें से ऐसे सारे ही मरीज हैं जिनको कोई दवा नहीं दी जाती। पर बनिस्पत ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका इतना ही आ रहा है और वो बहुत सालों से दवा खा रहे हैं। तो ये दो विचित्र परिस्थिति क्या है, इसके बारे में आज बातचीत करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए क्या होता है कि शरीर में एक प्यूराइन मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है, और ये जो प्यूराइन बनाने वाली चीजें जब बढ़ जाती हैं, तो ये आगे मेटाबॉलिज्म में इनके इसमें यूरिक एसिड बनने लगता है। तो ये यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि इस यूरिक एसिड में ये गुण है कि जोड़ों में ये जाके थोड़ा सा जमने लगता है। आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो जमने लगता है, डॉक्टरी भाषा में बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि इनके क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और जोड़ों में अगर कोई भी चीज प्रेसिपिटेट हो जाए, तो वो फिर बाकी जो सफेद कण है खून के, उनका काम है शरीर का बचाव करना। यहाँ पे उनको मैसेज मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे शरीर पे हमला हुआ है, तो वो जोड़ों पे एकत्रित होने लगते हैं और सूजन बनाने लगते हैं। तो क्या होता है कि प्राय जोड़ जो है, एक जोड़, बहुत सारे जोड़ नहीं होते इसमें, प्राय एक ही जोड़ होता है। प्राय जो है पैरों के अंगूठे का जो है जॉइंट, पहला जॉइंट, वो सबसे ज्यादा होता है। तो और वो एकदम फूल के कुप्पा हो जाता है, एकदम लाल, बहुत दर्दनाक लाल। बिल्कुल इस बीमारी का जो पहला प्रेजेंटेशन होता है, वो बिल्कुल पिक्चरेस्क होता है। पिक्चरेस्क का मतलब आप देखते ही बता दोगे ये गाउट है। तो ऐसा ही आपका एंकल जॉइंट टखने के जोड़ में भी हो सकता है, घुटने के भी जोड़ में हो सकता है, नी जॉइंट में भी हो सकता है, कभी कभार आपके इन जोड़ों में भी रेयरली होता है, बहुत ही रेयरली स्पाइन में होता है। और नाना प्रकार के दर्द, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी नीचे दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द होता है, प्रायः वो दर्द का कारण गाउट नहीं होता। तो ये जो दर्द है, तो ये जो बीमारी है, ये बहुत ही रेयर है। भले आप ये बोलेंगे मुश्किल से 1-2%, कुछ इलाकों में 3%, 3-4% से ज्यादा पूरी दुनिया में इसका कोई नंबर है नहीं। पर अगर इसके लिए अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। क्या मतलब है कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा ऊपर यूरिक एसिड का आना, पर एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया हजारों लोगों को है, लाखों लोगों को है। गाउट नाम की बीमारी बहुत ही कम, हजार में 25-30 लोग भी होंगे तो बड़ा मुश्किल है।
तो इन लोगों को, इन 25-30 लोगों के इसमें आप पूरे सभी को अगर गोली खिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो ये जो बात है इसके बारे में विवेचना करना जरूरी है। क्या होता है कि हमारी मेटाबॉलिक बीमारियां जिनको कहते हैं ना, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, रीनल बीमारियां, इनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये मार्का है इन बीमारियों का। ये बताता है कि संभल जाइए, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, संभल जाइए, हृदय रोग हो सकता है आपको, ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थोड़ा सतर्क होना चाहिए मधुमेह को लेकर, आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करिए। तो इस तरह की चीजें, और जिनमें रीनल फेलियर है उनमें वैसे भी जो शोधन, खून के शोधन की प्रक्रिया है वो कुछ धीमी हो जाती है, इसलिए भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति एक मार्का वाली परिस्थिति है जिसमें आपको जोड़ों में कोई सूजन नहीं आ रही, फूल के कुप्पा नहीं हो रहा जोड़, जिसको हम पोडाग्रा कहते हैं, या आपके गुर्दे में स्टोन्स नहीं बन रहे हैं और स्टोन्स की जांच करने पे पता नहीं चल रहा कि उसमें यूरिक एसिड के कारण वो स्टोन बन रहे हो, या यूरिक एसिड हजारों में। तो आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो तीन परिस्थितियां हैं जहां पे यूरिक एसिड का इलाज बहुत जरूरी है। एक, आपको गाउट नाम की बीमारी बार बार हो रही है, पहली बार हुई तो उसमें जरूरत नहीं है यूरिक एसिड कम करने की, दवा देने की, उसमें तो हम आपको सिम्टो सपोर्टिव केयर करते हैं, उसी से फायदा हो जाता है, सूजन कम करते हैं, दर्द कम करते हैं, और देखते हैं अगर वो बार बार हो रहा है और यूरिक एसिड बहुत हाई है तब यूरिक एसिड कम करने की दवा दी जाती है। या आपके गुर्दे में अगर पथरी बन गई है, पथरी है और जांच करने पे पता चलता है कि ये पथरी तो यूरिक एसिड वाली पथरी है, तब जरूर इलाज किया जाता है। या तो आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, खून के कैंसर का इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है और आपका यूरिक एसिड खून में हजारों में हो जाता है, तो हमें किडनी को बचाने के लिए, किडनी के फंक्शंस को बचाने के लिए, गुर्दे को सामान्य रखने के लिए यूरिक एसिड कम करने की दवा दी जाती है। तो इन परिस्थितियों को छोड़कर बाकी सभी परिस्थितियां एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया की परिस्थितियां हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया के बारे में पूरी दुनिया में एका नहीं है, जहां एका नहीं है तो वहां पे हमें जब तकलीफ होती है तभी इलाज करना होता है। तो एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये एक मार्का है जहां यूरिक एसिड आपको भविष्य में आने वाली बीमारियों के बारे में बताता है, आगाह करता है, चेताता है, जगाने की कोशिश करता है। जिनको मधुमेह है उनका भी यूरिक एसिड 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा, पर उन्हें किसी भी प्रकार से यूरिक एसिड कम करने की दवा की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब आपने कब देना चाहिए, ये तो बता दिया, एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया के बारे में भी बता दिया, पर हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कुछ खान पान की वस्तुओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है और कुछ विशेष खान पान के प्रकार चेंज करने से यूरिक एसिड कम होने लगता है। देखिए, यूरिक एसिड के बारे में जो डाइट है उसके बारे में बहुत लिटरेचर उपलब्ध है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे करना, इसके बारे में आपको 50-100 आर्टिकल मिल जाएंगे। पर शोधों में बहुत ज्यादा देखा गया तो ऐसा, इसमें यही पाया गया कि बहुत ज्यादा परिवर्तन डाइट से यूरिक एसिड में होता नहीं है। जब परिवर्तन की स्थिति आती है, जब हमें बिल्कुल इसे नॉर्मल करना होता है, तब हमें यूरिक एसिड कम करने वाली दवा ही लेनी होती है। फिर भी ऐसे क्या खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है? मुझे यूरिक एसिड की समस्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे आचार व्यवहार में क्या परिवर्तन हो जिससे ये यूरिक एसिड एक सामान्य से आगे ना बढ़े, गाउट नाम की बीमारी ना हो, या गुर्दे में स्टोन ना बने, या किडनी में प्रॉब्लम ना आए, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है पानी की मात्रा आप भरपूर लीजिए। दूसरी बात है नियमित व्यायाम करिए। अगर आप पे मोटापा है तो कोशिश करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलिए, वो मोटापा कम करने में आपकी मदद करेंगे। तीसरी बात, आपको कुछ खाद्य पदार्थों में फिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो खाद्य पदार्थ में अगर आपको मदिरा पान का शौक है, बियर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वोडका लेते हैं, विस्की लेते हैं, इसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के ड्रिंक्स और इस प्रकार के पेय कुछ शीतल पेय भी हैं, जैसे आपके ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स, पर इन कोल्ड ड्रिंक्स से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स को, इन मदिरा वाले विषयों को कम करें, थोड़ा सा इस पे लगाम लगाएं तो भी आपका यूरिक एसिड अच्छा रहने लग जाएगा। फिर निरामिष भोजन जो करते हैं, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज फूड के मैं खिलाफ नहीं हूं, पर क्या होता है कि हैवी मात्रा में नॉन वेज फूड ले लें, स्पेशली रेड मीट, मटन,
जिसमें फैट की भी मात्रा ज्यादा है, और इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। पर मछली और अंडे में इतनी समस्या नहीं है, तो ये को नॉर्मल फूड लेना है तो प्रेफरेबली वो मछली और अंडा लें, तो उसमें यूरिक एसिड इतना नहीं बढ़ेगा। तो बहुत फ्रीक्वेंट जिनके 4 कोल्ड मील दिन में 4 बार 5 बार नॉनवेज होता है, वहां जरूर है कि हमें इसको नियंत्रित करना है। दिन में 1 बार नॉनवेज खाने वाले और सब्जी की कटोरी, हमारे डायबिटिक पेशेंट तो एक ही कटोरी लेते हैं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, उनमें कोई समस्या नहीं है, उनको कोई कम करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए आवश्यकता है जो दिन में 3-4 बार नॉनवेज भोजन लेते हैं, तो उनके लिए जरूर इसकी कमी करने की जरूरत है। मीठी चीजें, एकदम हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट, बहुत ही मीठी चीजें खा ली, सिरपी चीजें ले ली, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ये चीजें हैं, इस पे ध्यान रखना है। स्किम्ड मिल्क लेंगे, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, और विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते जल्दी जल्दी निकलेगा। तो ये विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएंगे तो खट्टे फलों को बढ़ाइए, नींबू के रस लीजिए, और भी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं वो लेने से भी यूरिक एसिड कम होगा। तो ये बात आ गई मोटे तौर पे खान पान की और नियमित व्यायाम की, वजन नियंत्रित करने की। तो ये चीजें आप करेंगे तो यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा नहीं। और बहुत सारी, कई बार क्या होता है, दवाइयाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ आपके टीबी की दवाइयाँ हैं, तो वहां पे आपका विशेषज्ञ का रोल आता है, क्योंकि उसमें जनता का रोल नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि हम गूगल में पढ़ लेते हैं, आजकल सबसे बड़ा डॉक्टर तो गूगल बाबा ही है, तो फिर क्या होता है कि मरीज फिर क्या है कि डॉक्टर के पास सामने आके ये कहने लगता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये पढ़ा है इससे यूरिक एसिड बढ़ता है और आप मुझे अब ये दवा दे रहे हैं। पर ये निर्णय आपके डॉक्टर को छोड़ दीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्थिति में, जिस स्थिति में आता है, उसे 15-20 साल का अध्ययन, शोध और मेहनत लगती है, तब वो जांच, तब आपको सलाह देने की काबिलियत बना पाता है। तो डॉक्टर पे आप विश्वास करिए, अच्छे डॉक्टर का चुनाव करिए, तो वो कोई गलती नहीं करेंगे, वो एक सही दिशा देंगे, और आपकी दवा अगर वो बोलते हैं कि खानी ही है तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का चुनाव आप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान का मेडिकल सिस्टम सबसे खूबसूरत मेडिकल सिस्टम है। आपको पूरा अधिकार है कि आपके मन हिसाब से आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं, पर जब चुनाव कर लिया, डॉक्टर के सामने जाके आप बैठ गए, तब निर्णय डॉक्टर को लेने दीजिए, तब आपको अपनी बातें उन पर नहीं थोपनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और बल्क में टेस्ट मत कराइए, क्योंकि बल्क में टेस्ट कराते हैं, टेस्ट तो जो होता है वो आपके डॉक्टर का हथियार है, तो उसे चलाने दीजिए। आप योग्य, ईमानदार और अच्छा डॉक्टर चुनेंगे तो वो अपनी सीमित दायरे में जहां आवश्यकता होगी वहीं जांच करवाएंगे, और ये जबरदस्ती की जांचें जो पॉजिटिव आ जाती हैं उससे आपका सर दर्द ही बढ़ता है और कोई फायदा नहीं होता। तो कोशिश करिए, हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने डॉक्टर की सलाह में ही जांच कराइए। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि कंपनी के हिसाब से अनिवार्य तौर पे हेल्थ चेकअप करना है, वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, वहां तो कराना ही है, पर फिर जो विवेचना करानी है इन रिपोर्ट्स की, वो डॉक्टर से करवाइए। आप स्वयं किताब की तरह खोल के ना बैठे, आप देखेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। अगर मान लीजिए B12 कम है, आपकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ेंगी, TSH बड़ा है, तो आपको लगेगा अरे ये क्या मुसीबत आ गई। यूरिक एसिड बड़ा है तो फिर लैब वाला बोलेगा देखिए साहब ये पॉजिटिव आ गया, वो तो व्यवसायिक आदमी है, वो डॉक्टर नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना होगा, इसलिए कोशिश करिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, डॉक्टर की भी, को भी आप चुनाव अच्छे डॉक्टर का करें। जब आप अच्छे ईमानदार डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में उसका भी संदेश जाता है, पर जब चुनाव करें तो फिर कोशिश करिए कि उनके इलाज में उनको, उनके अनुरूप ही उनको इलाज करने दीजिए, उनको जांचें करवाने दीजिए। जबरदस्ती की इतनी सारी जांचें कराने से आपका भी मानसिक क्लेश पड़ता है, मन का दबाव बनता है, और कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपकी जांच में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, वो आपको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सही जानकारी देंगे, चयापचय के बारे में बताएंगे, और अगर वो बोलते हैं अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गाउट की बीमारी होती है तो फिर आप हड्डी के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जोड़ों के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिनको रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो योग्य लोग आजकल बहुत जगह हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बस समय आ गया है कि हम अपने सही डॉक्टर का चुनाव करें और इन भ्रामक बातों से बच कर रहें। तो जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा तो आप अपने विशेषज्ञ से सलाह लेंगे और कोशिश करेंगे एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डॉक्टर को, चयापचय से संबंधित डॉक्टर हो, हार्मोन से संबंधित डॉक्टर हो,
और अगर जोड़ों में सूजन है तो आप अपने जोड़ रोग विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। नियम कायदे से जो शोधकर्ता हमें बताते हैं कि कैसा इलाज करना चाहिए तो वैसा इलाज होगा। कई बार यूरिक एसिड कम करने की दवा अभी कुछ ही दिनों में शोधों में आया कि उनमें हार्ट से होने वाली मौतें बढ़ जाती हैं, तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि बहुत खतरे की घंटी हो, पर फिर हमें जरूरी है कि दवा हम सही दिशा में, सही मात्रा में, सही जहां आवश्यकता हो वहीं लें। जहां आवश्यकता नहीं है वहां हम जबरदस्ती दवा खाते रहेंगे तो हमारे मन में भी रहेगा कि हम दवा ले रहे हैं, उसका भी दबाव रहेगा और वो शरीर को कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, और उसके ऊपर अगर नुकसान होने लग जाए फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए पानी भरपूर पीजिए, नियमित व्यायाम करिए, अपना वजन नियंत्रित करिए, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर गुर्दे में यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं तब तो आपको यूरिक एसिड की दवा लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। अगर गाउट नाम की बीमारी आपको 3-4 बार हो गई, लगातार क्रॉनिक गाउट हो रहा है, तो भी आपको ये दवा लंबे समय तक लेनी होगी। अगर हजारों में यूरिक एसिड आ रहा है और गुर्दे में खराबी होने की संभावना है तब आपको जरूर लेनी होगी। पर अगर यूरिक एसिड 2-3 पॉइंट बढ़ा है नॉर्मल रेंज से तो हम और कोई समस्या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। इसमें प्रायः दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 100 में से 80 लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे आप एक अच्छे विशेषज्ञ का चुनाव करें, उनसे मिलें और सही दिशा में आगे बढ़ें। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।